हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए यहाँ पर ऐसे कुछ पॉइंट्स लाई हूँ, जैसे कि हमारे पेट में लड़का है या लड़की है, हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और जब हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते कि इनको क्या कहते हैं, ये क्यों लिखे हैं। ये एक्चुअली इसलिए लिखे जाते हैं कि हमारे बेबी की हाइट, उसका हेड, उसका एब्डोमिनल, उसका थाई कितने mm है, वो ही एक्सप्लेन करता है। तो चलिए पहले हम कुछ शॉर्ट फॉर्म एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं यहाँ पर आपको। फीमर लेंथ जब आप रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें एक FL लिखा होगा, जिसका मतलब होता है फीमर लेंथ, थाई बोन। फिर हेड सर्कमफ्रेंस, आपके बेबी का हेड सर्कमफ्रेंस कितना है वो लिखा होगा उसमें HC। एमनियोटिक फ्लूड AFL, जिसमें बेबी आपका रहता है, जो पानी होता है उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूड, जो कि प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से, वायरस से, बीमारियों से आपके बेबी को प्रोटेक्ट करता है। बाय पार्शियल डायमीटर BPD। अब हम कुछ प्रिडिक्ट पॉइंट्स हैं जो हमारे, वो है वो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करती हूँ। बेबीज़ की नॉर्मल हार्ट रेट होती है 120 टू 170 वॉर्म में। अगर हम बात करते हैं कि क्या हम बेबी बॉय कैरी कर रहे हैं या बेबी गर्ल, तो बॉयज़ की हार्ट रेट प्रिडिक्ट होती है, ये एक्चुअली पूरी तरह से सही नहीं है, पर आप ये समझ सकते हैं 80-20 का रेशियो है। 80% ऐसा होता भी है, 20% ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बॉयज़ की हार्ट रेट होती है बिलो 140, एबव 140 या फिर 140 नियर एबव। और गर्ल्स, अगर आप पेट में अगर लड़की कैरी कर रहे हैं तो उनकी हार्ट रेट एबव 140 होगी। धन्यवाद।